कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है, साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो, अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते, आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं इसमें कष्ट कैसा, मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है, एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं, नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है, तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ, हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक, और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ ये आपकी बहू रीना है, माफी चाहता हूँ सब कुछ।